राधे कृष्णा, मैं लता सिंह, मैं आपके साथ तिलफली लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। तो अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। मूंगफली मैंने 100 ग्राम ली है। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम मूंगफली डालेंगे। मूंगफली भूनते समय गैस को कम ही रखेंगे। अगर तेज गैस पर मूंगफली भूनेंगे तो मूंगफली जल जाएंगे। मूंगफली को 3 मिनट ही भूनना है। मूंगफली अब चटकने लगी है। मूंगफली को ठंडा करेंगे। आधा किलो तिल लिए हैं, 2-3 मिनट तिल को भूनेंगे और धीमे गैस पर ही भूनेंगे। तिल को ज्यादा नहीं भूनना है, अगर ज्यादा तिल भून जाएंगे तो कड़वे हो जाएंगे। तिल को पहले धो लें और सुखा लें, उसके बाद इसके अंदर जो भी कंकड़ पत्थर हो उनको बीन करके साफ कर लें। अब तिल का कलर चेंज हो गया है और तिल चटकने लगे हैं। तिल भून चुके हैं, ठंडा करते हैं। आधा किलो मावा लिया है जो मैंने घर में ही बनाया है, इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे और गैस कम ही रखेंगे। आधा किलो चीनी डालेंगे। मैंने खोया में चीनी डाली है, आप बूरा भी डाल सकते हैं। और इसको लगातार चलाते रहेंगे, अगर नहीं चलाएंगे तो चीनी तले में लग जाएगी। खोया और चीनी पक गए हैं, गैस बंद करेंगे और इसको ठंडा करेंगे। खोया और चीनी ठंडा होता है तब तक हम मूंगफली के छिलके निकालेंगे। मूंगफली हल्की हल्की गर्म होनी चाहिए, अगर मूंगफली ठंडी हो जाएंगी तो छिलके नहीं निकलेंगे, हल्की गर्म होंगी तो इस तरह से दोनों हाथ से रगड़ेंगे तो मूंगफली के छिलके निकल जाएंगे। मूंगफली के छिलके निकाल दिए हैं, पीसेंगे। मिक्सी को रुक रुक करके चलाएंगे, एक बार में नहीं पीसेंगे। मूंगफली को इस तरह से दरदरा पीसना है, ज्यादा बारीक नहीं करना है। तिल ठंडे हो गए हैं, तिल को भी रुक रुक करके पीसेंगे। तिल को भी दरदरा पीसना है। जब तिल दांत के नीचे आते हैं तो बहुत अच्छा ही टेस्ट देते हैं। इस तरह से हम सारे तिल को पीस लेंगे। तिल और मूंगफली को पीस लिया है, अब इनको हम खोया में मिलाएंगे। पिसी हुई मूंगफली डालेंगे, पिसे हुए तिल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। अब सब मिक्स हो गया है, परात में पलटेंगे। अब इसमें किशमिश डालेंगे, छोटे छोटे कटे हुए काजू डालेंगे। साफ हाथों से सबको मिक्स करेंगे। जिन लोगों में कैल्शियम की कमी है वो लोग तिल का पाउडर बना करके रख लें। 1 चम्मच पाउडर अपने सब्जी या दाल में डाल करके रोज खाएं तो उनमें कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। अब इसके लड्डू बनाएंगे, शायद आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह से तिल में प्रोटीन फाइबर पाया जाता है, हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लड्डू बनाते समय मिक्सचर हल्का सा गर्म होना चाहिए। अगर आपका मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो आप हल्का सा गैस पर गर्म कर लें और लड्डू बना लें। इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। अब तिलफली लड्डू बनकर के तैयार हैं। आप लड्डू बनाते समय तीनों चीज बराबर लें। अगर आप बाजार का खोया डाल रहे हैं तो आप घी जरूर डालें, अगर घी नहीं डालेंगे तो लड्डू बनेंगे नहीं। मैंने घर का खोया लिया था इसलिए बिल्कुल भी घी नहीं डालना पड़ा। आप इन लड्डुओं को डिब्बे में भर करके रख दें, 10-12 दिन तक ये खराब नहीं होंगे। आपको मेरी तिलफली लड्डू बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मकर संक्रांति पर जरूर बनाएं। धन्यवाद। राधे राधे।